मित्रों प्रणाम, मैं आपका साथी आपका आचार्य आशीष कृष्ण आपका स्वागत करता हूँ चैनल ओम आलोक के कार्यक्रम तंत्र मंत्र वायद्य में। वह हम आपके लिए लेकर चल रहे हैं इस समय एक श्रृंखला, बिना घर में तोड़फोड़ करे वास्तु दोष कैसे मिटाया जाए। इस श्रृंखला में आपसे बहुत प्रेम हमें मिल रहा है, आपकी बहुत मांगे हैं, उनके हिसाब से हम आपको नए नए प्रयोग इसमें बता रहे हैं कि आप करेंगे तो आपके घर में अशुभता रहेगी नहीं, शुभता होगी, शुभता का प्रसार होगा और आपके घर में सुख व संपत्ति हमेशा विराजमान रहेगी। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए आप देखेंगे हमारे वीडियो के नीचे एक लाल रंग का ऑप्शन होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कर देंगे तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन ऑन कर दे रहे हैं और साथ में एक बेल आइकॉन है उसको भी अगर आप दबा देंगे तो आपको हमारे वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तो मित्रों विषय की बात यह है कि हम आपको जो बता रहे हैं आपको बिना तोड़फोड़ करे अपने घर से वास्तु दोष को निकालना है। कैसे निकालेंगे उपाय देखिए, आपके घर में यदि मुख्य द्वार, घर का अंदर का द्वार, कोई और अंदर का द्वार व खिड़कियां यदि एक सीध में है तो एक दोषपूर्ण व्यवस्था है और इससे आपको हानि होती है स्वास्थ्य की और धन की। तो इस हानि से निपटने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा कार्य करना है, जहां जहां जो सीध में कमरे हैं आपके दरवाजे के सामने उनके बीच में एक क्रिस्टल बॉल लटका देनी है, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपके घर में सुख व समृद्धि आ जाएगी। एक अन्य उपाय भी है मित्रों, यदि आपके घर में किसी कक्ष में सूर्य की रोशनी सीधी ना पहुंचती हो तो ये बड़ा दोषपूर्ण है और इस दोष को समाप्त करने के लिए आपको सीधे से एक कार्य करना है कि क्रिस्टल बॉल उसमें लटका दे जाकर आपको बड़ा ही शुभ फल मिलेगा। तो मित्रों आपको कैसा लगा हमारा उपाय आप हमें सूचित करिएगा अपने लाइक्स और कमेंट्स के द्वारा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ देखते रहें कार्यक्रम तंत्र मंत्र वायद्य व कुछ अनसुनी अनकही कहानियाँ। इस सभा के लिए इतना ही मित्रों, अन्य सभाओं में आपसे फिर भेंट करूंगा, तब तक के लिए मातेश्वरी आपका कल्याण करे, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद व आपको प्रणाम।